क्या? इच्छा, तू यहाँ यहाँ क्या कर रही है? मैं बबल जी के बदन में ना बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं बदन सेकने वाली गर्म पानी की थैली लेने आई थी। लेकिन छुप कर क्या कर रही थी तू यहाँ? दीदी, मुझे ना किसी के आने की आहट सुनाई दी, मुझे लगा कोई जंगली जानवर होगा, इसलिए मैं वहाँ छुप गई। पूरे घर को बता दूंगा मैं, सबको बता दूंगा। ये बात तो इनकी है, इसका मतलब भाभी भाभी आप यहाँ हैं? वहाँ बाहर भैया को ढूंढ रहे, गई ना? लेकिन उनकी आवाज तो अभी अभी मैंने यहाँ सुनी है। नहीं नहीं दीदी, आपको वहम हुआ होगा, प्रबल भैया यहाँ कैसे हो सकते हैं? अगर वो यहाँ होते तो सबसे पहले मुझे दिखाई देते ना, मैं तो कब से यहीं थी। बता दूंगा मैं, सबको बता दूंगा। सुना, फिर से उनकी आवाज, लगता है वो इसी कमरे में है। अरे नहीं भाभी, हमें तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। भाभी एक बात बोलू, ये आपका प्यार है तो आपको हर जगह भैया का एहसास हो रहा है। हाँ। और फिर भैया आपको दिन भर पुकारते रहते ना, तो इसलिए आपके कान बज रहे। आप बाहर जाइए ना, भैया आपको बाहर मिलेंगे। जाइए 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 जाइए, उधर उधर। हाँ आज बच गए, ये तो अच्छा हुआ मैंने एन वक्त पर दीदी को यहाँ आते हुए देख लिया, वरना आज तो हमारी इच्छा। हमने भाभी को यहाँ से तो भगा दिया, लेकिन भाभी बाहर जाएंगी, वहाँ भैया को ढूंढेंगी, और वहाँ भैया नहीं मिलेंगे तो अब ये लो, आंगन में नहीं है, कमरे में नहीं है, देवर जी तो कह रहे थे बाहर गए हैं, बाहर भी नहीं है। अरे कहाँ जा रही थी उनका? मेरी छोड़िए, आप बताइए आप कहाँ थे? इतनी देर से मैं आपको ढूंढ रही थी, आंगन देखा, अखाड़ा देखा, देवर जी का कमरा तक देखा, आप वहाँ भी नहीं थे। कहीं जाना था तो बता के जाना चाहिए था ना, ऐसे कोई। अरे रुक जा मेरी माँ, कम से कम दो सवालों के बीच में एक सांस तो ले लिया कर, पति दिखा नहीं कि धड़ाधड़ फायरिंग शुरू। बात को उलझाइए मत, सासा बताइए आप कहाँ थे। अरे मेरी छोड़, तू मुझे ये बता कि तू मुझे बावली होके क्यों ढूंढ रही थी? क्यों मतलब? आप मेरे लिए इतना प्यारा लॉकेट बनाकर लेके आए हैं, और खुद अपने हाथों से पहनाने के बजाय आप कहीं गायब हो गए। गायब हो गया? अरे मैं कहाँ गायब हो गया, मैं तो यही था, उल्टा मैं तो तुझे ढूंढ रहा था, तू मिली नहीं। ओहो, अरे मिलती कैसे, तू मुझे ढूंढ रही थी, मैं तुझे ढूंढ रहा था, इस चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। अच्छा छोड़, तू यहाँ पे बैठ, मैं तुझे लॉकेट पहनाता हूँ। अच्छा हुआ मैं वक्त पर यहाँ पहुँच गई, वरना प्रबल भैया को यहाँ ना पाकर दीदी पूरे घर में ढिंडोरा पीटती, और फिर जो बवाल होता, बचा लिया नागुमी देव। एक बात कहूँ? आप बहुत प्यारे हैं। बहुत सारे? अरे अकेला तू, थारा इकलौता पति। कम से कम रोमांस करते वक्त तो अपने कान खुले रखा कीजिए, ऐसे नाजुक मौके पर आप गलत कैसे सुन सकते हो? मैंने क्या किया, सुन तो रहा हूँ। मैंने कहा था आप बहुत प्यारे हो, पर आपने सुना? अरे छोड़ ना, कानों पे ध्यान मत दे, दिल देख, दिल। वो तो मैं देख ही रही हूँ, आज आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आज मैं भी आपके लिए कुछ करती हूँ। चलिए बैठिए। बापू, आज तेरा दुख पता चल रहा है, तू जब जब बब्बल जी के साथ होता था तो क्या बीतती होगी तुझ पर। अरे ममता, रात बहुत हो गई है ना? पता है, और ये रात कुछ कह भी रही है, सोने को कह रही है। अरे दिन भर काम इतना किया है, थक गए है ना? मैं तो नहीं थकी हूँ, लेकिन आप थक गए होंगे, आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ जो उठाई है ना। चलिए मैं आपको मालिश करती हूँ। इनके इरादे सही नहीं लग रहे इच्छा, कुछ कर, आज ही का दिन मिला है क्या रोमांस करने के लिए? बस करो दीदी, आपके हाथों में दर्द हो जाएगा। दीदी, आपने मुझे दीदी कहा? हाँ? दीदी, मैंने दीदी कहा? अरे नहीं नहीं, मैंने बीवी कहा होगा। अरे कान मेरे खराब है, गलत तू सुन रही है। अच्छा चल छोड़, एक काम करता हूँ, मैं तेरी मालिश कर देता हूँ। तू कल कह रही थी ना कि आजकल तेरे सर में बहुत दर्द होता है, चल आ जा। मैंने ऐसा कब कहा? नहीं कहा? नहीं। तो भी ठीक है, मालिश तो करा ले, नींद अच्छी आएगी। है? चल बैठ जा।
हाथों में तो जादू है। मुझे नहीं पता था आप इतनी अच्छी मालिश करते हैं। आपको तो बहुत कुछ नहीं पता है दीदी। क्या कर रहे हैं बब्बल जी? इच्छा, इनका कुर्ता पसीने से भीग गया था, इसलिए मैंने चेंज किया। सुनो, अच्छा हुआ। अरे भैया, इच्छा मुझे बहुत टेंशन हो रही है। भैया कल रात से बेहोश है, कहीं नहीं कुछ पता नहीं है बापू ने क्या कर दिया है। वो तो कह रहा था थोड़ी देर में भैया को होश आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो इन्हें नागिस्तान ले जाना होगा, वो भी आज दोपहर होने से पहले, वरना इनकी जान पर भी बन सकती है। नहीं इच्छा, ऐसा नहीं होने देंगे। इच्छा तुम चाहो तो अभी के अभी लेकर नागिस्तान जाओ। मुखर्जी, आप यहाँ? गुरु जी का संदेशा लेकर आया हूँ। तुझे कुछ दिन और अपने घर वालों से अपना राज छिपाए रखना होगा। वो तो भाग को भी बता रहा था, तो उसकी वजह भी सुन ले। 4 दिन के बाद चंद्रमा की दशा बदलने वाली, उसके साथ साथ तेरी नाग कुंडली में भी कुछ बदलाव होंगे। तब तक का समय तेरे लिए अशुभ है। अभी अपने घर वालों से यह मत बताना कि तू एक इच्छाधारी नागिन है। और कब तक छुपाएंगे बब्बल जी? इसका मतलब मैंने जो सुना था सही सुना था। भैया, इच्छा तूने हम सबको धोखा दिया है, हमसे झूठ बोला है, तू इच्छाधारी नागिन है। भैया आप अरे तू चुप कर और इसे बचाने की कोशिश मत कर। माना कि मैं कभी कभी गलत सुनता हूँ, लेकिन हमेशा नहीं। मुझे इसकी सच्चाई पता चल चुकी है और तुम दोनों ने मिलकर हम सबको अंधकार में रखा। मैं अभी जाके घर वालों को सब कुछ बता दिया। प्लीज भैया मत कीजिए। अरे अप्पू छोरा, सीटी बजाना बंद करेगा। अरे कोई मने चाय पिलाएगा, मारा गला सूख गया। दादी, दादी, मैं तेरे पास ही आ रहा था। हे शिव जी, अब कौन सी नई आफत आने वाली है हमारे पर? बताना दादी, एक बहुत जरूरी बात बतानी है मुझे। ये लीजिए लस्सी पी लीजिए। अरे बाद में पी लूंगा। देख छोरा, अगर कोई ढंग की बात है तो बता, वरना। अरे अभी होली थोड़ी ना है जो ढंग की बात बताऊंगा। हे शिव जी, मैं रंग नहीं कह रही हूँ, ढंग कह रही हूँ। ढंग की बात है तो बता। हाँ दादी, ढंग की बात ही बतानी है। वो बबल और इच्छा, बबल और इच्छा के बारे में बतानी है। मैंने बबल और इच्छा को बात करते हुए सुना। इच्छा जो है ना वो। लस्सी पी लीजिए ना। अरे पी रहा हूँ अभी, पहले बात करने दे। तो कीजिए ना, मैंने कब रोका है? पहले लस्सी पी लीजिए ना, देखिए ना आपको कितना गुस्सा आ रहा है, पसीना तक छूट रहा है। लस्सी पी लीजिए, ठंडे होकर आराम से बात कीजिए। अरे हाँ हाँ अभी पीता हूँ। मैंने कहा ना लस्सी पीजिए पहले। छोरा पी ले, वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। पहले लस्सी पी ले। बोल छोरा, क्या बोलना चाह रहा है? लगता है पापा लस्सी के साथ साथ सीटी भी कटक गए। अरे बावले, सीटी क्यों बजा रहा है? जो भी बोलना है साफ साफ बोल ना। माँ भी ना बढ़ती उम्र में बच्ची बनती जा रही है। देखो ना प्रबल से सिट्टी बजवा के कैसे मजे ले रही है। प्रबल, मैंने कहा ना मजाक नहीं। दादी, मुझे तो लगता है कि पापा कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, उनके गले में सच में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। हे भगवान, इसके कानों में तो पहले से ही प्रॉब्लम है, हम जो बोलते हैं ये सुन नहीं पाता। अब इसके गले में भी प्रॉब्लम हो गई है।
मतलब जो ये बोलेगा वो हम नहीं समझ पाएंगे। अरे अरे सबल, एक काम कर, इसकी पीठ पे ना दो चार जोर के मुक्के मार, इसके गले में जो भी अटका ना वो बाहर निकल जाएगा और फिर ये बोलने लगेगा। जा। ठीक है पिताजी। भाई मार, शाबाश। छोड़ो, एक मिनट, पिताजी ने बोला ना, भाई झुको आगे, मुंडी उठा लो, जोर से मारना। 1 2 या। या। पिताजी। बोल भाई बोल। कैसा इलाज किया भाई? आप क्या कहना चाहते हैं? इच्छा। नागिन। इच्छा खड़े हो के बहुत ज्यादा गुस्से में, इच्छाधारी नागिन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ये कहना चाहते कि इच्छा को नाग बहुत पसंद है? एक काम कर, तू डॉक्टर को बुला और इसका गला ठीक करवा। हाँ हाँ हाँ। सीटी बजा बजा के हम सबके कान फोड़ देगा। अरे चुप कर। अरे ममता, लस्सी में सीटी घोल के कोई किसी को पिलाता है क्या? डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं है दादी जी, आप बस इनका ख्याल रखिए, इनके गले की नसों में थोड़ी सूजन आ, घबराइए मत, इन्हें दवा दे दी है, बहुत जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, मारा छोरा पहले जैसे बोल सकेगा ना? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बोल पाएंगे, लेकिन ख्याल है अगले 5-6 घंटे तक ये बिल्कुल खामोश रहे, अगर ये बोले तो खतरा बढ़ सकता है, और इतना बढ़ सकता है कि इनकी आवाज हमेशा के लिए जा सकती है। क्या? अरे बाबरे, बाबरे। अच्छा बच्चा, धन्यवाद डॉक्टर साहब। चुप हो जा छोरा। सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा? तुझे 5-6 घंटे गले को आराम देना है। अरे भैया देखिए, हम इतना तो समझ गए कि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप आराम कर लीजिए, एक बार आपका गला ठीक हो जाए फिर आप खुद अपने मुंह से बता देना। बबल बिल्कुल सही कह रहा है, तू छोरा आराम कर, हम लोग सब बाहर जाते हैं, चलो सब बाहर चलो। जाओ जाओ जाओ। मेरी इच्छा उदास नहीं, मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है। प्रबल जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हंसने की वजह ही खत्म हो गई है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? और क्या बोलूं, रोज नई मुसीबत, रोज नया तनाव, सच खुलने का डर, सांस भी लेती हूँ तो डर लगता है कि कोई इसके पीछे की फुफकार ना सुन ले। इच्छा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्रबल भैया से डर लग रहा है? डर नहीं बबल जी, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है, छोटी बहन की तरह प्यार किया है उन्होंने मुझे, आज उनकी आंखों में जो नाराजगी है ऐसी ही नाराजगी कल सबकी नजरों में होगी, सब यही सोचेंगे कि इच्छा ने हमें धोखा दिया है, हमसे झूठ बोला है। अच्छा, तुमने अकेले झूठ नहीं बोला, तुम्हारे साथ साथ मैंने भी झूठ बोला, अगर तुम गुनेगार हो तो मैं भी गुनेगार हूँ। प्रबल भैया सिर्फ तुमसे नाराज नहीं है, वो मुझसे भी नाराज है, इसलिए हमें एक साथ मिलकर उनकी नाराजगी का सामना करना, इस नाराजगी को एक्सेप्टेंस में बदलना, और वो होगा, हम करके दिखाएंगे। जिस तरह मैंने तुम्हें तुम्हारे सच के साथ अपनाया, वो भी अपनाएंगे। बबल जी,
मुझे लगता है मुझे एक बार प्रबल भैया से बात करनी चाहिए, एक आखिरी बार उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। नहीं बबल जी, वो भले ही हम दोनों से नाराज हैं, लेकिन इस नाराजगी की वजह मैं हूँ। पहली कोशिश मैं करूंगी, मैं अकेली। भैया ये लीजिए गुनगुना पानी, इसमें नमक डाला हुआ है, आप थोड़े गरारे कर लीजिए, आपका गला ठीक हो जाएगा। भैया आपकी नाराजगी बिल्कुल सही है, मैंने अपनी सच्चाई आप लोगों से छुपाई, इतनी बड़ी बात, लेकिन यकीन मानिए भैया मेरे इरादे गलत नहीं थे, मैं बस डर रही थी कि मेरी सच्चाई पता चलने पर आप लोगों ने मुझे धुतकार दिया तो। मैं बब्बल जी आप सब लोगों को खोना नहीं चाहती थी। भैया मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं सबको अपना राज बताने वाली हूँ, उसके बाद आप जो चाहे। चली जाऊं मैं यहां से, चली जाऊंगी, लेकिन अब मेरी सच्चाई घर वालों को आप नहीं, मैं खुद बताऊंगी और फिर यहां से जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि ये बात उन्हें किसी और से पता चले। शाबाश भैया, शाबाश, आपने बिल्कुल सही किया, बल्कि मैंने भी ऐसा किया था। जब इच्छा की सच्चाई मेरे सामने आई थी उस वक्त मैं भी उसे बहुत नाराज था, मैंने उसे इतना भला बुरा कहा था कि भैया इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम इंसान हैं ना, एहसान बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उस वक्त मैं भूल गया था और आज आप। भैया इच्छा ने आज तक मेरे लिए, हमारे घर के लिए इतना कुछ किया, भैया बाकी सब छोड़िए, आज आपका छोटा भाई आपके सामने जिंदा खड़ा है ना, तो उसकी वजह भी इच्छा। भैया आपको याद है दिवाली की वो रात जब हमारे घर के बाहर बम फटा था, आपका भाई अस्पताल में दम तोड़ चुका था, लेकिन अचानक उठ कर खड़ा हो गया, कैसे कभी वजह जानने की कोशिश की है आपने? भैया ये चमत्कार इच्छा की वजह से हुआ था, इच्छा ने अपनी शक्ति से अपनी आधी जान मुझे दे दी। अप्पू पूरा दूध जल्दी खत्म कर, कितना दुबला हो गया है तू। दादी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हे शिव जी, पहले प्रबल और अभी तू। अरे मने कोई आके कहता है ना कि जरूरी बात करनी है तो मने घना टेंशन हो जाता है। बोल क्या बोल रही है। अप्पू जा सबको बाहर बुला ले, उनसे कहना आज इच्छा एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।